रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारी उम्र तुमसे छोटी है, लेकिन ये जो हाथ का लाफा है ये काफी बड़ा है। दिशुम, जो मिल जाए जानी उसे मुकद्दर नहीं कहते, जो बनाते हैं हम अपने हाथों से वही होता है मुकद्दर। अरे ये तो बकवास था, तू इतनी घटिया एक्टिंग कर कैसे लेता है? तू गुप्तर ताले तलतान की एक्टिंग कर ले। नहीं सलमान खान की नहीं, तलतान था नहीं सलमान खान का, तलतान था नहीं सलमान खान का। बड़ी फुर्सत है रही है तुम्हें मंजरी, तुम यहाँ पढ़ाने आती हो कि पानीपत का मैदान बनाने? जानती भी हो तुम्हारी क्लास से रोज कितना शोर आता है। मैडम बच्चे हैं, लड़ने भिड़ने खेलने दो, तभी तो आगे दुनिया से मुकाबला करने लायक बनेंगे। तुम्हारी क्लास के बच्चे कुछ ना बनेंगे, सब फालतू का ही काम करेंगे, लिखवा के ले लो। चिंता नहीं मैडम, बेशक के कुछ ना बने पर एक समझदार और जागरूक नागरिक जरूर बनेंगे, ये आप मुझसे लिखवा के रख लें। वाह काले वाह, तुम तो बड़े गजबो एक्टिंग करते हो। थैंक यू टीचर जी। और तुम्हारी लास्ट लाइन तो बड़ी धांसू थी, जो बनाते हैं हम अपने हाथों से वही होता है, क्या होता है बच्चों? वेरी गुड। हाँ तो काले, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, और तुम आज गुरु दक्षिणा दे ही डालो। अरे जो मांगना है मांगिए टीचर जी, बंदा जान भी दे सकता है। तुम ना ये वादा करो कि तुम सब करोगे पर एक्टिंग नहीं करोगे। लेकिन टीचर जी। टीचर वीचर कुछ नहीं, जाओ सबसे पीछे जाके बैठ जाओ, यह है तुम्हारी नलायकी का इनाम। अरे काली लगी तो नहीं तुम्हारे, सब बच्चों क्लास से बाहर जाओ। नमस्ते मैडम। कहाँ ढूंढ रही हो मंजरी? आपने इतने जोर की आवाज नहीं सुनी? सुनी, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा तो हो ही जाता है, कोई जान माल का नुकसान तो ना हुआ ना? हो जाता तो तब की तब देखते, और अभी ये फाइलें छोड़ो और अपनी कक्षा में जाओ। मैडम ये छत बने अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, ये टूट कैसे गई? आप मुझे फाइल दें, मैं देखना चाहती हूँ कि काम किसने किया और कितने में हुआ। इतना हल्का काम करवाया गया है कि कमरों में बैठने से डर लगने लगा है। भाई तुमसे कही है, सरकारी काम है, छोटी मोटी गलती तो है ही जाते, काई ने जानबूझ के करी है का? अब तुम काम ना करने का बहाना मत ढूंढो, अपनी कक्षा में जाओ, नहीं तो तुम्हें शिकायत कर देंगे। नेक नेक बात पे। आ गए। क्या हुआ आज हमारी महारानी जी के चेहरे पर नकली मुस्कान? पता है तुम्हें, मेरी क्लास की छत टूटकर नीचे आ गई, काले तो बस बैठने ही वाला था, बैठ गया होता तो। अरे तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे स्कूल की बिल्डिंग इस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है, तुमको उसकी खबर लेनी चाहिए। मेरे हाथ में होता तो ऐसी खबर लेती कि याद करता वो। तुम्हारे हाथ में ही तो है। क्या? तुम्हारा फोन, इसमें सर्च करो जानने का हक के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके तहत तुम पूछ सकती हो कि ये काम हुआ था, इसमें कितना खर्चा आया, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, और ये इतनी जल्दी टूट कैसे गई, वगैरह वगैरह। पर ये सब पूछना किससे है? सरकार से। अच्छा रुको, तुम पहले मुझे एक बढ़िया सी चाय पिलाओ, उसके बाद तुमको विस्तार से बताऊंगा मैं। चलो। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम बढ़िया सी चाय बनाओ और बनाते बनाते मुझे विस्तार से समझाओ। जी मैडम बुलाया आपने? लगे तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वरना ऐसी कोई सरकारी दस्तावेज तुम जैसी मामूली टीचर को कैसे दे सके? और तो और उस ठेकेदार ने भी मुफ्त में मरम्मत करा दी छत की दोबारा। देखिए मैडम, सरकार से सवाल करने का हक सबको है, पर कानून की जानकारी होना भी जरूरी है। आप जानती हो शायद कि जितने भी काम होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पैसों के इस्तेमाल से होते हैं,
क्योंकि हम टैक्स देते हैं। अब जो काम हमारे पैसों के इस्तेमाल से होगा उसके बारे में जानने का हक जनता को तो बनता है ना। आप मांगती हैं ना 2 रुपए की चाय का भी हिसाब। उसी तरह एक नागरिक होने के नाते मैंने भी मांग लिया सरकार से हिसाब। देखिए मैडम, आपका मेरा हम सबका हक है कि हम संबंधित विभाग से पूछ सके कि स्कूल की छत निर्माण पर कितना पैसा खर्च हुआ, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, किस ठेकेदार को काम दिया गया और इसका निर्णय स्कूल की कमेटी ने लिया या ग्राम पंचायत में, और उससे जुड़ी सभी बातें जानने का और उनके कागजात प्राप्त करने का हक है हमें मैडम। इतने बड़े बड़े हक हैं हमारे? जी हैं, इसीलिए कानून की जानकारी सभी को होनी चाहिए। तुम्हें डर ना लगा मंजरी सरकार और प्रशासन से ऐसे सवाल पूछते? मैडम, जानकारी का हक के तहत सरकार और शासन को जवाब देना ही पड़ेगा, वो कानून से बचे नहीं है। और तो और, अगर उन्होंने सही प्रकार से काम नहीं करवाया तो उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया जा सकता है। अब जो काम जनता के लिए होगा उसकी हर काम की जानकारी जनता को तो मिलने का हक बनता है ना। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा भाई मंजरी, तुम तो बहुत तेज हो। अरे मैडम, जो अपने हकों की बात करे वो तेज नहीं, समझदार होते हैं। आप भी बनिए ना समझदार। शाम को गांव में एक मीटिंग रखी है मैंने और मेरे पति देव ने, आपको कुछ भी जानना समझना हो तो आ जाइएगा। देखूंगी, वैसे फुर्सत तो है ना मुझे, और दिलचस्पी भी ना है। ठीक है मैम, देख लीजिएगा, मैं चलती हूँ। भाई इसके पास तो फालतू का टाइम है, मुझे तो सर उठाने की फुर्सत ना है। नितिन, चाय लेके आइयो, चाय पकोड़े भी ले आइयो। मेरे से सीख गए हो तुम? तुमसे नहीं सीखा मैं। नमस्ते टीचर जी। अरे काले रूप, तुम क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नमस्ते नमस्ते टीचर। आइए बैठिए। काले, क्या हुआ? टीचर जी, आपने परसों की मीटिंग में जानने के हक के बारे में बताया था ना, तब बाबा नहीं आ पाए थे। बाबा को जानना था कि मनरेगा की जानकारी लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम तले आए आपके पास। मेरे बाबा तो मनरेगा में काम तलना है। मैडम जी, आप थमत दई ना लूपता तहला है, थोला तोतला बोलता है, इसलिए थाली बात थमत नहीं आती। हाँ जी, सब समझ में आ गया। तो आकाश जी, कीजिए इनके ज्ञान में इजाफा। क्यों नहीं, जानने का हक के तहत आप मनरेगा संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मनरेगा में हमें काम कैसे मिल सकता है, मनरेगा का कार्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने दिन का काम मिल सकता है, अगर कार्ड बनने के बाद भी काम नहीं मिला तो क्या करेंगे, और अगर मान लीजिए अगर वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो मजदूर और उसके परिवार वालों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, ये सब। क्या हुआ चाचा, इतनी हैरानी? अरे मास्टरानी जी, ये छोटा मुंह बड़ी बात ना होगी, इतने सवाल पूछने का हक हमें किस नाते है? एक नागरिक होने के नाते, और नागरिक और देश का नाता सबसे बड़ा नाता होता है नरपत काका। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये इस तरह का एक फॉर्म होता है, इसको भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो 10 रुपए इसकी फीस है, वो ही माफ हो जाती है। बस अपना डाक पता जरूर लिख दीजिएगा, वरना जवाब कैसे पाएंगे आप। और हाँ, एक बार में एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। जैसे आप पूछना चाहते हैं कि मनरेगा का जॉब कार्ड कैसे बनेगा, और दूसरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसका जवाब आएगा? जरूर आएगा। तो फिर आज ही भर देते हैं, ता मिलेगा फालम। चाचा, वैसे तो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, पर हम सादे कागज पर भी लिख कर दे सकते हैं। मास्टरानी जी, वैसे पहले चिट्ठी का जवाब कब तक आ जाता है, और अगर ना आया तो? वैसे 90 दिन के भीतर जवाब आ जाता है, लेकिन मान लीजिएगा जवाब नहीं आया तो हम फिर से फॉर्म भरेंगे, लेकिन इस बार अपीलीय अधिकारी को भेजेंगे। अगर दूसरी चिट्ठी का भी जवाब नहीं आया तो दंड और जुर्माना भुगतना पड़ेगा हमें। अरे भाई, आपको नहीं, उन्हें। जानने का हक के अधिकार के अंदर अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो जो भी संबंधित विभाग का अधिकारी है उसको दंड या जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ये तो गजबो हो गया नलपत, ता कहते हो एक तिथि भेज दे, दे पता तलने के लिए ते मन ले देता तुम त्यू थप्पला है। अरे क्यों नहीं भैया, नेकी और पूछ पूछ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जानकारी दी मास्टर जी। टीचर जी। अरे कहाँ है सजनी, क्यों अपने चांद से चेहरे को छिपा रही हो?
कहा टीचर जी, आप भी मेरे सांवलेपन का मजाक उड़ाए हो। इतनी सुंदर तो है तू, फिर भी ना जाने क्या क्रीमें पोती रहती है बावली कहीं की। तो बता क्यों ढूंढ रही थी मुझे? देखो ना टीचर जी ये क्रीम। क्यों करना चाहती है अपने को इतना गोरा? गोरी हो गई तो अच्छा लड़का मिलेगा वरना दुनिया के ताने। तो बनिए ने कहा इससे तो मैं पक्की गोरी हो जाऊंगी, पर देखो ना रोज घिस घिस कर मुंह पर लगाती हूँ, मुंह पर तो जरा फर्क ना पड़ा, मेरी गुल्लक खाली हो गई। और वो दुकान वाला है कि रोज दाम बढ़ा के देता है, कहता है तेरे लिए शहर से स्पेशल मंगाई है। कितने की देता है? 40 रुपए की। पर इस पर तो 20 रुपए लिखे हैं। हाँ पता है पर मजबूरी है ना मेरी। तो क्या करना चाहती हो? रूप के बाबा ने बताया उन्होंने जानने के हक में चिट्ठी डाली थी और उनका जवाब भी आया और अब तो उनका जॉब कार्ड भी बन गया, तो मैं भी सोच रही हूँ पूछ लूँ ये 20 रुपए की क्रीम 40 रुपए में क्यों देता है मुझे। पूछना चाहिए, पर ये बात पक्की होगी कि वो तुझे बिल ना देता होगा। रसीद देने का रिवाज हमारे यहाँ कहाँ है? हम तो टीवी लाए, हमने तो उस पर भी रसीद ना ली। बहुत बढ़िया किया तुमने, चलो इसे अभी से रिवाज बना देते हैं। एक तो ये कि तू अब जब भी कुछ खरीदे तो बिल जरूर मांगना। अब हर जिले में एक उपभोक्ता फोरम होता है जहाँ इस तरह के मामलों का समाधान किया जाता है, पर हमारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि हमसे दुकानदार मूल्य से ज्यादा पैसे मांग रहा है। ये तो आप सही कह रही हो टीचर जी, पर यहाँ कौन रसीद देता है? ये रिवाज बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सबको कि अगर वो कोई बड़ा सामान ले और वो खराब निकले या टूटा फूटा निकले तो कैसे साबित करेंगे? मार मार के। फिर तो तुम ही परी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा अगर रसीद होगी तो क्या? तब हम एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर कि हमने ये सामान लिया था, इसका मूल्य इतना है और हमसे ज्यादा पैसे लिए गए, उसको बिल के साथ लगाकर उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा सकते हैं। वहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे मामलों का समाधान कर दिया जाता है और शिकायतकर्ता पर किसी तरह का कोई भार नहीं पड़ता, न वकील करने का, न सबूत और गवाह पेश करने का। ये बात तो बढ़िया है, अब तो मैं उसे हर बात की रसीद मांगूंगी, चाहे वो मुझे क्रीम दे ना दे। और किसी को अपना बनाने के लिए गोरा होना जरूरी नहीं है, और वैसे भी तू इतनी सुंदर है, बहुत ही प्यारा और अच्छा वर मिलेगा तुझे। सच्ची दीदी? मुच्ची दीदी। अरे भाई कैसी पंचायत लगा रखी है यहाँ पे आप लोगों ने? ये क्या हो गया तुमको? पुलिस वालों का फोन आया था पर कट गया, उसके बाद से मैं कितना लगा रही हूँ लग ही नहीं रहा है। और आकाश बाबू हम तो थाने भी गए थे पर आप वहाँ थे ही नहीं। अरे भाई मैं सब कुछ बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से, पहले आप लोग शांत हो जाएंगे। अरे भाई छोटा सा एक्सीडेंट था। पर कहा कब कौन? अगर मिल गया तो मार मार के गन्ना बना देंगे। हाँ चिंता ना तो लो मातल दी, मिल गया तो माल माल से दन्ना बना देंगे। नहीं नहीं वो मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मार के भाग गया, पर पुलिस ढूंढ लेगी उसे। तुमने मोटर वाहन एक्ट के तहत कुछ नहीं किया? नहीं मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी ना, अगर मुझको ज्यादा चोट लग जाती तब सरकार मुझे 50,000 रुपए देती और अगर मैं मर जाता तो पूरे 2,00,000 रुपए मिलते। तुम्हारा बहुत नुकसान करवाता हूँ ना मैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बोले जा रहे हो? अरे भाई मैं तो आप सबको मोटर वाहन क्षतिपूर्ण अधिनियम 1947 की जानकारी दे रहा था। भाई दुर्घटना तो कभी भी कहीं भी हो सकती है ना। तुम ना चुप करो। और हाँ नरपत काका, ये जो तुम अपनी नई नई फटफटिया जो सबको देते फिरते हो ना, अगर तुम्हारे दोस्तों से भी कोई दुर्घटना होती है तो तुमको उसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। अरे का कह रहे हैं आकाश बाबू? सही कह रहे हैं आकाश बाबू, और अपनी गाड़ियों का सही से बीमा करवा के रखो। सुनो तुम्हारा इलाज तुरंत हुआ ना? ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले रिपोर्ट लिखेंगे फिर इलाज करेंगे? नहीं, अब मोटर वाहन कानून की धारा 134 के तहत पहले घायल का इलाज जरूरी है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है। सजनी इनके लिए जरा दूध में हल्दी डाल के ले आना। चलिए भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए मेरी चिंता करने के लिए। अब अपने अपने घर जाइए और मस्त आन के सोइए। वैसे मैं कितना भाग्यशाली हूँ ना कि मेरी बीवी जो हो गया उसको मुकद्दर नहीं मानती, जानती समझती और लोगों को जागरूक भी करती है। और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि आप मुझे कभी रोकते नहीं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। और अगर रोकता तो हम वो हैं जो मुकद्दर ही नहीं इंसान को भी बदलना जानते हैं।